भोपाल में दो दो नगर निगम करने की कवायद का असर अब प्रदेश के अन्य बड़े शहरों पर भी देखा जा रहा है। बड़े शहरों के जनप्रतिनिधियों ने निगम पर बढ़ते काम के दबाव को देखते हुए दो हिस्सों में विभाजित किए जाने की मांग उठाना शुरू कर दी है। इंदौर में ये मांग कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने शुरू की है। भोपाल में दो दो नगर निगम करने की कवायद का असर अब प्रदेश के अन्य बड़े शहरों पर भी देखा जा रहा है। बड़े शहरों के जनप्रतिनिधियों ने निगम पर बढ़ते काम के दबाव को देखते हुए दो हिस्सों में विभाजित किए जाने की मांग उठाना शुरू कर दी है। इंदौर में ये मांग कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने शुरू कर दी है। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की और माननीय जयवर्धन सिंह जी और माननीय तनखा साहब का एक अच्छा पॉजिटिव प्रयास है कि अगर व्यवस्थाएं डिसेंट्रलाइज होगी, जैसे आपको पता होगा कि पहले हर काम के लिए निगम मुख्यालय आना पड़ता था, फिर निगम के बाद में फिर जोन बने, फिर जोन में हम बढ़ोतरी हुई तो लोगों को निगम तक नहीं आना पड़ा, लोगों को सुविधाएं मिलने लगी, जोन स्तर पर काम होने लगे। लेकिन चूंकि बड़ा शहर है तो निश्चित रूप से अगर इसको दो नगर पालिका में बांट दिया जाएगा तो काम करने में आसानी होगी, व्यवस्थाएं जुटाने में भी अच्छा रहेगा, लोगों की सुविधा बढ़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर जनता के हित को, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी करना चाहते हैं तो हम लोग भी अभी एक दो दिन में राइटिंग में सुझाव दे रहे हैं माननीय मंत्री जी को और माननीय सीएम साहब को कि भोपाल की तर्ज में इंदौर में भी दो नगर पालिका होना चाहिए जो जनहित में रहेगी, जनता के काम आसानी से होंगे। देखिए उनकी अपनी सोच है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और हर आदमी का एक मानना रहेगा कि जब इंदौर शहर में थाने कम हुआ करते थे, पुलिस चौकी हुआ करती थी, लेकिन जब चौकी की जगह थाने बने तो लोगों को सुविधाएं मिलने लगी, पुलिस भी आसानी से उपलब्ध होने लगी, स्टाफ बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेंगे तो सुविधाएं जनता को ज़्यादा मिलेगी, अप्रोच फटाफट होगा। 100% सुझाव देंगे और सब लोगों की कोशिश है कि इंदौर शहर को भी दो, जैसे पुलिस में बटा हुआ है ईस्ट और वेस्ट, उसी तरह से इंदौर शहर को दो हिस्सों में बांटा जाए और इतना बड़े शानदार तरीके से बांटा जाए कि किसी को काम करने में फिजिकली भी कोई दिक्कत नहीं आए। चौकसे ने कांग्रेस नेता विवेक तनखा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी सहमति दी है और कहा है कि इस मामले में जल्द ही सरकार के सामने सभी मिलकर अपनी बात रखेंगे, जिससे आने वाले समय में निगम के कामकाज को दो हिस्सों में बांटकर सभी काम आसान करने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाढ़ न्यूज, इंदौर।